प्रश्नावली 8.4 का जो ये उदाहरण है 13, इसमें इसको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए कहता है सेक ए इंटू 1 माइनस sin a इंटू सेक ए प्लस 10 ए बराबर 1। यानी इसको LHS कहते हैं और इसको RHS कहते हैं। LHS को तोड़ के RHS पुराना है, तो एक यानी इसको तोड़ करके एक लाना है। तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे यहाँ पे LHS बराबर, चलिए यहाँ पे लिख लेंगे LHS में ये जो दिया हुआ है इसको पहले लिख लेंगे। चलिए लिख लेते हैं, चलिए LHS को हम लिख लिए। LHS लिखने के बाद इसमें कुछ नहीं करना है, उसके बाद नीचे वाला स्टेप में इसको चेंज करेंगे। लाना है कितना, एक लाना है RHS। तो चलिए यहाँ जो है sec a इसको तोड़ लीजिए। sec a बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1/cos a, तो याद रखना है क्या, 1/cos a। उसके बाद ये जो है क्वेश्चन में इसको वैसे रहने दीजिए 1 माइनस sin a, ठीक है। उसके बाद ये जो sec a है इसको भी तोड़ लीजिए। sec a बराबर फॉर्मूला होता है क्या होता है, 1/cos a, यहाँ भी लिख देंगे 1/cos a। ये प्लस है प्लस 10 a का फॉर्मूला, sin a/cos a, फॉर्मूला को याद रखना है तभी सवाल बनेगा। अब यहाँ से जो है इसमें इसको गुना कर दीजिए, 1 माइनस sin a को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 माइनस sin a ही होगा, नीचा में क्या cos a, ठीक है। इधर जो है इसका LCM ले लीजिए, LCM लीजिएगा तो cos है, यहाँ cos है तो सेम हो जाएगा, यानी cos a हो जाएगा। अगर LCM नीचा में दोनों सेम है, अगर हर सेम रहता है तो क्या होगा, अंश क्या होता, जुट जाता है। चलिए क्या करेंगे, यहाँ 1 प्लस क्या हो जाएगा, sin a हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो इससे cos से इसमें cos में भाग दीजिए, 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 1 आएगा, फिर प्लस है तो प्लस, cos a से भाग दीजिए cos a में 1 आएगा, 1 को sin a से गुना कीजिए sin a आ जाएगा। क्वेश्चन बंद कीजिए। अब जो है इसको गुना कर दीजिए, cos a को cos a से जब गुना कीजिएगा तो आ जाएगा cos स्क्वायर a आ जाएगा, ठीक। अब देखिए ऊपर में जो है 1 माइनस sin a, ये जो है गुना का है, यहाँ जो है गुना है इसमें और इसमें गुना है, तो 1 माइनस sin a इंटू 1 प्लस sin a, यानी a प्लस b का एक फार्मूला होता है, यानी कि a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। तो अगर a प्लस बी और a माइनस बी के, देखिए यहाँ a माइनस बी है और a प्लस बी है, तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक का स्क्वायर लिख देंगे और माइनस माइनस और बी का स्क्वायर, बी में क्या है साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ साइन स्क्वायर ए, और ये जो है एक का स्क्वायर कीजिएगा ना, एक ही आएगा, इसीलिए यहाँ स्क्वायर छोड़ दीजिए। तो 1 माइनस sin स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है क्या होता है, cos स्क्वायर ए होता है, लिख देंगे नीचा में ये cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर बटे cos स्क्वायर। अगर सेम संख्या रहता है 2/2 अगर 2 रहेगा काटिएगा 1 आएगा, यहाँ cos स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए है, इसको काट दीजिए 1 आ गया, यहाँ लिख दीजिए 1 जो कि क्या है RHS है, यही आपको सिद्ध करना था, RHS 1 था आ गया। इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।